हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। दोस्तों, अगर आपके चेहरे का रंग डार्क है और आप अपने चेहरे का रंग साफ करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी के द्वारा स्किन लाइट क्रीम के बारे में ज़रूर बताया गया होगा। और आप लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना यह जाने कि ये आखिर किस काम में आती है, आप स्किन लाइट क्रीम का यूज करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि यह चेहरा साफ करने को क्रीम होती ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि स्किन लाइट क्रीम आखिर किन किन प्रॉब्लमों में काम करती है, इसको किस तरह लगाना चाहिए और इसको लगाने के बाद किस तरह की सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, इसको लगाने से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने मेरी यह वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको स्किन लाइट क्रीम के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्किन लाइट क्रीम एक डॉक्टर की एडवाइस पर दी जाने वाली दवा है। ये काफ़ी लोग इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस के यूज करने लगते हैं और फिर बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्किन लाइट क्रीम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह क्रीम मेलाजमा, इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर गहरे डार्क स्पॉट पड़ गए हैं या फिर आपके कोई दाने पिंपल्स के अगर आपके चेहरे पर दाग हैं तो उसको ख़त्म करने में इस क्रीम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर एलर्जी हो गई है, सूजन हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में स्किन लाइट क्रीम का यूज किया जाता है। अगर आपकी चोट लगी हुई है और उसका कोई निशान है तो उसको हल्का करने में स्किन लाइट क्रीम का यूज किया जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्किन लाइट क्रीम की MRP 255 रुपये है। यह आपको 230 रुपये में हर केमिस्ट पर आसानी से मिल जाएगी। स्किन लाइट क्रीम में मुख्य तौर से तीन फार्मूले पड़े होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन और मोमेटासोन। हाइड्रोक्विनोन हमारे चेहरे पर उन बैक्टीरियों को रोकता है जो कि हमारे बैक्टीरिया चेहरे पर ब्लैक स्पॉट डालते हैं। इसके साथ साथ मोमेटासोन एक तरह का स्टेरॉइड है। यह हमारे चेहरे पर लालिमा, झुर्रियाँ, एलर्जी या फिर कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ट्रेटिनोन विटामिन ए का एक रूप है। यह हमारे चेहरे पर पुरानी स्किन को हटाकर नई स्किन लाने में मदद करता है, जिसकी वजह से व्यक्तियों का चेहरा साफ होने लगता है और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इस क्रीम को फेयरनेस क्रीम के तौर पर यूज करने लगते हैं। स्किन लाइट क्रीम को आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। आप इस क्रीम को 6 से 8 हफ्ते तक रेगुलर यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को साफ पानी से अच्छे से धुल लें और चेहरा सूखने के बाद ही आप इस क्रीम को लगाएं। आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर तब तक मलें जब तक यह अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए और लगाने के बाद आप अपने हाथ अच्छे से धुल लें। इस क्रीम को लगाने के बाद आप धूप में या फिर आग वाली जगह पर ना जाएं, क्योंकि वहां जाने से इस क्रीम के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस क्रीम को लगाने के बाद आप अपने चेहरे पर कोई भी तरह का कपड़ा ना बांधें। इस क्रीम को लगाने के बाद अगर आपके चेहरे पर जलन, सूजन, लालिमा या फिर एलर्जी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।